दरगाह शरीफ इधर है, हजरत सैयद शुकरुल्लाह शाह बाबा दरगाह शरीफ में या वर्सोवा जामे मस्जिद में, जहाँ पे भी आपसे आपके मुमकिन हो आप पहुँच करके नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। हेलो हेलो, हम बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार नीलेदन मुकेश जी का आज के इस अफ्तार में स्वागत करते हैं। मैं अच्छा तो नहीं लगता है कि आए और फौरन के फौरन को माइक को बुला लूं, लेकिन वक्त बहुत कम है। नीलेदन मुकेश जी, आप, मैं चाहता हूं कि माइक पर आ जाएं और हमसे कुछ बात करें। मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजय जी का, प्रशांत जी का। प्रशांत जी कहाँ गायब हुए हैं? मुझे लेके आके वापस आप भाग गए वहाँ पे। तो आप सभी को मेरी तरफ से रोज़ा इफ्तार मुबारक, ईद मुबारक इन एडवांस। पहले से ही मैं ईद की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ। अजय जी को मैं अब करीबन 10 साल से जानता हूँ शायद, और इतने नेक दिल इंसान हैं, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोच मुंबई वर्सोवा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनका ये प्यार हमेशा बड़ा रहे और बढ़ता जाए। तो अजय जी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे सारे भाइयों बहनों के साथ मौजूद हो सकूँ और रोज़ा इफ्तार आपके साथ मना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सोच इतनी बड़ी है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोच मुंबई वर्सोवा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनका ये प्यार हमेशा बड़ा रहे और बढ़ता जाए। तो अजय जी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे सारे भाइयों बहनों के साथ मौजूद हो सकूँ और रोज़ा इफ्तार आपके साथ मना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सर सर, थैंक यू। क्या बात है लोग अवतार में मसरूफ हैं। मैडम आते उपस्थित सर्व बांधवानो भगिनींनो, आणि आज जास्त वेळ नाही, मी जास्त वेळ घेत नाही। आता ऑलरेडी त्यांनी मला एक सांगत होता कि मंदिर और मस्जिद के बीच में या मैदान में हम सब जुड़े हैं, और भगवान और अल्लाह के बीच में जो चर्चा चालू था उसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रासम मैडम और इन्होंने जो स्पीच दिया उसमें बोला कि जो भी त्यौहार आते हैं हमारे बीच में, चाहे वो होली हो या रमज़ान हो या कोई भी त्यौहार हो, हम साथ में मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिर्फ अभी का नहीं है, सालों साल से जो एक साथ में प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का जो है ना, ये सिर्फ हमारे भावनाओं में ही नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जांपल रमज़ान में भी राम का शब्द है, दिवाली में भी अली का शब्द है, और वो त्यौहार का नाम भी राम और अली के बिना नहीं है। आप सबसे मुंबई पुलिस दल के तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब एक साथ आते हैं, एक साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी के जो एनवायरनमेंट है हमारे बीच में, उसमें मोहल्ला का, जैसे केएल प्रसाद सर ने बताया, जितने भी लोग गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन हम एक हिमालय जैसे खड़े रहना है। हमको ये शांति रखना है, और कुछ भी इशू रहेगा, कोई भी आपको डाउट रहेगा या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगा, मैं सबसे आपसे विनती करता हूं कि आप सबसे पहले पुलिस को कांटेक्ट कीजिए। हम आपके साथ हैं, और आपका जो भी इश्यूज है कायदा व्यवस्था का या क्राइम का, जो भी इश्यूज है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और यहां पे शांति रखने की हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अभी वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस हमेशा आपके साथ है। और जो दो शब्द है, सदरक्षणा है, खलनिग्रहणा है,
इसके लिए जो करना है हम डेफिनेटली उसको हमारा ड्यूटी करेंगे। और सबसे विनंती करूंगा कि शांति रखने के लिए हम सबको जो 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 एफर्ट्स लेना पड़ेगा वो हम सब साथ में लेना चाहिए। और इधर बुलाने के लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम फिर से हम ऑर्गेनाइज करें और आपके बीच वक्त बिताएं। थैंक यू सो मच। देखिए, पहली बात तो मेरा मानना है कि हम इम्पोर्टेंट शब्द को एम्फसाइज ना करें, क्योंकि ये एक दिस शुड बी अ गिवन कि यू नो वी आर ऑल लिविंग टुगेदर, हम सब भाइयों की तरह साथ में रहें। तो जब भी हम कहें कि ये आज माहौल ऐसा है, इम्पोर्टेंट है, तो मेरा मानना है कि कहीं हम ऑलरेडी हम अपने दिमाग में ये शायद बात डाल रहे हैं कि शायद एक किस्म का दरार है। मेरा मानना ये भी है कि दरार बिल्कुल नहीं है और भाईचारा है। कम से कम मेरी परवरिश तो ऐसी हुई है कि मैं अपने भाइयों के साथ हर साल रोज़ा खोलता हूँ, मनाता हूँ, ईद मनाता हूँ, और लोगों में है ये प्यार ज़रूर है। तो बट जैसे आप कह रहे हैं और आप एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी ये बात सीखें, वो भी ये प्यार सीखें और लोगों में बांटें। सर अजय सर जिस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं जी, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप? और मैं अजय जी को अभी कम से कम शायद 10 साल से जानता हूँ, और मैं वाकई में जो मैंने मंच पे भी कहा, मैं शायद उस बात को दोहराऊँगा कि शायद ही ऐसा कोई इंसान है जो मैं इन 10 सालों से मिला हूँ कि जो इतने सेल्फलेस हैं, वो हर इंसान के लिए सोचते हैं। और वाकई में मेरा मानना है कि अजय जी जैसे इंसान को सिर्फ मुंबई और वर्सोवा एरिया में और अंधेरी में नहीं होना चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान के हर कोने में होना चाहिए। ही इज इंडीड अ वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस नोबल मैन। दिस इज़ नॉट दी ओनली इवेंट दैट ही इज़ हेल्ड फॉर पीपल, और जितना प्यार वो लोगों में बांटते हैं, शायद इतना प्यार मैंने कहीं नहीं देखा किसी में जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतना बड़ा इनिशिएटिव और इतने इम्पोर्टेंट समय में सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह का इनिशिएटिव लेना? देखिए, सबसे पहले तो हम वैसावा कोली जमा ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि रोज़ा इफ्तार मोहल्ला कमेटी के साथ मिलकर आयोजन करने का। और इसी तरीके से उन्होंने सारी कमेटी में एक मुंबई कर अमन प्रिय और शांति प्रिय लोगों का शहर है, और इस बात में शायद आपने देखा कि हर समाज के लोग इकट्ठा हुए और इसी मकसद से हुए कि हम में भाईचारे की और प्रेम है। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्सोवा इलाके में इस तरह का कार्यक्रम हुआ, हम सब एक हैं, जो ये स्लोगन दिया गया है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वर्सोवा में हमेशा लोग हम सब एक की भावना रखकर ही चलते थे। आपको पता होगा कि नई की घड़ियों में या कभी भी जब ऐसा वक्त आया जहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़ी, कम्युनल क्राइसिस बढ़ी, उस वक्त पूरे दुनिया में ये मैसेज दिया कि वर्सोवा के लोग एकजुट होकर रह रहे हैं और अमन प्रिय शांति लोग यूथ की करें। आज यूथ कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, यूथ को क्या संदेश देंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? नहीं, आपने देखा कि शायद आपने ये प्रोग्राम में भी देखा होगा कि काफ़ी यंगस्टर्स और यूथ और काफ़ी यंग ग्रुप्स भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अशांति किसी के भी हक में नहीं होती है, खास करके अमन और शांति का पैगाम घर, क्योंकि मुझे लगता है अशांति फैलाने से हर एक का नुकसान है। और हमें ये समझना चाहिए कि अभी हम लोग कोविड की इस घड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, और ऐसा कोई वातावरण नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में फिर वो द्वेष और हेट्रेड की भावना हो। सर, हम सब एक, अजय कॉल सर ने मिलके इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है सब लोगों को एक साथ लाने का, एकता मंच का जो नारा है जो एक साथ लेके आते, क्या कहना चाहेंगे सर इस इनिशिएटिव के बारे में? सबसे पहले वर्सोवा कोली जमात ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, पूरा मुंबई पुलिस दल के तरफ से मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये बहुत रेयर प्रोग्राम है
और एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके एंड दोनों के बीच में कितना नज़दीक के संबंध है एक पूरा दुनिया को बता रहा है। आज पहली बार जोन 9 का चार्ज लेने के बाद पहली बार ये प्रोग्राम में आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे सीनियर्स थे, केएल प्रसाद साहब थे, अजय कौल जी है, आनंदिनी मैडम है, मेरे ऑफिसर्स है और सब कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आया हुआ है। एंड यही एक विविधता में एकता जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मैं आशा करता हूँ कि यही एक सद्भावना हमेशा हमारे समाज में रहे और हम एक दूसरे को मदद करें। और अभी बहुत सारे स्पीच में भी आप सुने होंगे कि ये वर्सोवा गांव में हर एक मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी हो एक दूसरे को आपस में कैसे मदद करते हैं, एक दूसरे का त्यौहार में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को कैसे एक स्टेप पीछे जाके 10 स्टेप आगे कैसे जाते हैं ये आज देखने के लिए मिला है। और एज अ DCP मैं आज बहुत खुश हूँ और यही एक फीलिंग जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर ये बहुत आगे भी जाएगा और एक कम्युनल हारमोनी रखने के लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई एम श्योर कि हर साल हम ये प्रोग्राम करेंगे सर एंड एवरी ईयर वी गेट टू डू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज होगा सर, क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ में लेके आना, अलग अलग कम्युनिटी को साथ में लेके आना, जो एकता मंच ने जो इनिशिएटिव लिया अजय कौल सर के साथ, तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में। 28 साल पहले मोहल्ला कमेटी का एक प्लांट बोल के देशमुख सर, लबेरो सर, सुशोभा बर्वे ऐसी लोग डाला है और अजय कौल, आनंदिनी जी, भाऊ कोरडे, मरिया ईश्वरन और काफ़ी लोग, डॉक्टर आसिफ, ऐसा लोग पूरा उसको पानी डाल के बहुत बड़ा वृक्ष जैसी बनाया। आज हमारे पास मुंबई में 43 जगह में मोहल्ला कमेटीज है। मोहल्ला कमेटी में काफ़ी रिच लोग नहीं आता है, ये मिडिल क्लास लोग और लोअर इनकम ग्रुप लोग इसमें सहभाग ज़्यादा लेता है, क्योंकि दंगल हो गया तो प्रॉब्लम उसी का होता है। और इधर कोली लोग रोज समुद्र में जाके कष्ट करने वाले लोग, ऐसे लोग उनका पैसे खर्च करके इधर इतनी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है वर्ली गांव का लोग, उनको हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये मैसेज पूरा भारत में पहुंचना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, कोई भी भगवान एक ही है, भगवान को हम अलग अलग नाम से पुकारता है, अलग अलग प्रेयर्स देता है, भगवान तो एक ही है, ये तो सब जगह बोला है, उपनिषद में भी बोला, कुरान में भी बोला, बाइबल में भी बोला, भगवान एक ही है। सो हम झगड़ा नहीं करने का, हम मिलके रहने का है, ये बात समाज में ये फैलाना चाहिए। आज का वातावरण में ये बहुत बड़ा ज़रूरी है और आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होके भी सिंजे साहब, रसम मैडम और इनामदार ये लोगों मीटिंग से एग्जम्पशन लेके इधर आया, क्योंकि हम इन लोगों के साथ में रहना चाहिए। सिस्टर है और रिलीजियस गुरुस है, सब लोग हैं, ये सब लोग आके इस कार्यक्रम को रियली एक अर्थ दिया है। तो आप लोग इसमें पब्लिक को बोल के ये और संगठित कराने के लिए आपका जवाबदारी है, कोशिश कीजिए। जय हिंद। थोड़ा सा अगर मैसेज बात करो ना, बात करो, व्हाट इज देयर लोगों के बीच में कि कोली समाज ने इस तरह का जो बड़ा इनिशिएटिव लिया है मुस्लिम भाइयों के लिए, तो सर इस तरह का मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में? सच में आज जो कोली समाज ने ये आज इफ्तार पार्टी का आयोजन करके जो एक मिसाल कायम की है, ये तारीफ़ काबिल है। क्योंकि ये मैंने भी आज इतने साल से यहाँ से कम मैं 5 साल यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, पहले ट्रैफिक में था, अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, लेकिन सच में जो आज का जो माहौल है, आज का जो रोज़ा इफ्तार पार्टी का जो माहौल बना है, सच में काबिल तारीफ़ है। मुझे इस वक्त खाली एक ही एक कविता मुझे याद आती है सानी गुरु जी की, कि खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ये ऐसा ही मिसाल चलना चाहिए कि एक दूसरे को प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को हम बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे ही एकता की मिसाल कायम रहना चाहिए। सोचेंगे तो बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, जो आज माहौल है पूरा इंडिया में, जो कहाँ पे शांत होएगा वो हिसाब से हम लोग
एक तैयारी किया अजय सर को लेके, बाबा कैसे करेंगे क्या करेंगे, एक इफ्तार पार्टी रखेंगे अपन, रोजा इफ्तार रखेंगे करके इनवाइट किया सब मुस्लिम बंधु को। और आज का जो प्रोग्राम है वैसा कोली जमा ट्रस्ट अपना वर्षों का जो कोली लोग हैं उन लोगों ने रखे लाए, और उसके लिए पूरा योगदान हमारा अजय सर का है। और आज के तारीख में जो गांव में चल रहा हमारे वर्षवा गांव है, हमारा जो भी त्यौहार बनता है कोई भी रहने दे, दिवाली रहने दे, दसरा रहने दे, या हमारा रामनवमी हनुमान जयंती रहने दे, या महाशिवरात्रि रहने दे, या उन लोग का मुहर्रम रहने दे, ईद रहने दे, हम लोग एक दूसरे को संभल के चल पूरा प्रोग्राम जो है एक कंटिन्यू, यानी किसको तकलीफ नहीं होगा ये हिसाब से प्रोग्राम मनाते हैं इधर हम, भाईचारे से रह रहे हम लोग इधर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।